हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में जो है मैं एक बड़ी कमाल की साइंस किट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। शायद ही गाइस आप में से किसी ने भी इस तरह की किट आज तक देखी होगी। ये जो किट है रॉक्समेंस ब्रांड की तरफ से आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हो, इस साइंस किट का नाम है मिनरल साइंस एक्टिविटी किट। इसके अंदर हमें 20 स्पेसिमेंस मिलते हैं मिनरल्स के, प्लस 12 टूल्स भी मिलती हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी लिखा है एजुकेशनल टीचिंग एड्स एक्टिविटी किट बोल के यहाँ पे लिखा है इसकी एज, और यहाँ पे एक वार्निंग भी लिखा है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अंदर बहुत ही स्मॉल पार्ट्स होते हैं, तो 3 साल के अंदर के बच्चों को ये किट हमें नहीं देनी चाहिए। और एक बात गाइस, ये जो किट है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। बॉक्स देख सकते हो, बड़े कमाल की पैकिंग में मिली है हमें ये किट। बॉक्स के पीछे देख सकते हो, इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे सारे फोटोज दिए गए हैं। ये जो किट है बहुत ही एक्सक्लूसिव है गाइस, बाहर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक भी दे दूंगा अमेज़न का, आप चाहे तो वहां से जाकर इस कमाल की किट को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट के फटाफट से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं और हम उन चीजों से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस बॉक्स को ओपन किया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लिखा है मिनरल साइंस एक्टिविटी किट, स्ट्रिक टेस्ट, मैग्नेटिज्म, एसिड रिएक्शन टेस्ट और मिनरल्स किसे बोलते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सारे मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, और इसके अंदर हमें कौन से टूल्स दिए गए हैं, सारे टूल्स के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, पहले चलो फटाफट से यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं, पेपर्स देख लेते हैं पहले। तो इसके ऊपर मैंने जूम कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले मिली है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो हम इसे जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखा है MOHS हार्डनेस टेस्ट, टूल्स फॉर टेस्टिंग हार्डनेस बोल के लिखा है, और आयरन नेल और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। आप पढ़ सकते हो गाइस, चाहे तो इसे पॉज करके। तो चलो इसे रखते हैं साइड में, और यहाँ पे एक पेपर है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे लिखा है रॉक्स मीन्स द जियोलॉजिकल पीपल। अच्छा, तो इनके और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रॉचर के अंदर दिए गए हैं। तो पीछे देख सकते हो, ओहो, एक फीडबैक प्रोडक्ट रिव्यू रिक्वेस्ट भी यहाँ पे भेजा गया है। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हो तो ज़रूर से आपको फीडबैक देना चाहिए गाइस, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बड़ा ही कमाल का यार, मैंने तो आज तक ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो भाई, और कुछ पेपर्स है इसके अंदर, देख लेते हैं इसे ओपन करके जल्दी से। गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो पर ज़रूर से लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है गाइस बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मेरे को लगता है गाइस, ये कुछ रॉक्स एंड मिनरल्स की वर्कशीट है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो। तो पीछे आपको जियोलॉजिकल क्रॉसवर्ड भी मिल जाता है। यार, इतनी बढ़िया किट मैंने आज तक नहीं देखी है भाई। देख सकते हो, जियोलॉजिकल क्रॉसवर्ड है, यानी कि एक पज़ल है, आप पज़ल भी कर सकते हो इसके अंदर। मिनरल्स हार्डनेस क्रॉसवर्ड है ये भी रॉक्स एंड मिनरल्स का क्रॉसवर्ड है। यहाँ पे लिखा है रॉक्स मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हो, और रॉक्स एंड मिनरल्स वर्ड सर्च है, ये भी एक पज़ल है। भाई साहब, कितने ज़्यादा पज़ल्स दे रखे हैं इन लोगों ने, वाह, ये भी एक पज़ल है। दोस्तों, हमें इस किट के अंदर इस तरह की टोटल 8 शीट्स मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है एवरीडे यूजेस फॉर रॉक्स, रॉक्स को हम एवरीडे में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसे भी रखते हैं साइड में। अभी देखना गाइस, ये जो चीज़ है आज तक आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, मैं भी आपको जो बताने वाला हूँ तो आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। तो गाइस, इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो एक एक अलग अलग पार्टीशन किया हुआ है। ये सारे जितने भी पार्टीशंस आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग 20 किस्म के मिनरल्स रखे हुए हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये सारी के सारे टूल्स हैं। तो एक एक करके मैं आपको पहले मिनरल्स बताता हूँ, उनके नाम भी बताता हूँ, फिर देखेंगे इसके साथ हमें क्या क्या टूल्स मिले हैं। ये जो मिनरल्स आप देख सकते हो इस तरह के प्लास्टिक के पैकिंग में आते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ये सारी की सारी प्लास्टिक की पैकिंग निकाल लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाऊंगा एक एक मिनरल। तो चलो गाइस, अभी एक एक मिनरल जो है मैं आपको हाथ में लेके भी बताता हूँ, करीब से देखते हैं मिनरल्स देखने में कैसे दिखते हैं। यहाँ पे एक स्टिकर भी चिपका हुआ है नंबर 1 का, आप देख सकते हो। इस मिनरल का नाम कैसा देखना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है नंबर 1, यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है नंबर 1 बोल के। इस मिनरल का नाम है अगेट, अगेट मिनरल इस तरह से दिखता है देखने में। तो भी दूसरा देखते हैं गाइस,
तो हर एक मिनरल जो है अलग पार्टीशन में रखा हुआ है, इसके ऊपर एक स्टिकर भी चिपका हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये है नंबर 2 मिनरल, इसका नाम है एमेथिस्ट, आप देख सकते हो गाइस। तो चलो एक एक करके फटाफट से सारे मिनरल्स मैं आपको बता देता हूँ। यह है नंबर 3, इसका नाम है बेरिटीज। 4th मिनरल का नाम है कैल्साइट, देखने में बिल्कुल प्योर वाइट है, आप देख सकते हो गाइस। तो नेक्स्ट हमारा मिनरल है चाइना क्ले, ये रहा चाइना क्ले मिनरल, क्रीम कलर है इसका। 6th मिनरल है डोलोमाइट, ये भी बिल्कुल देखने में थोड़ा थोड़ा चाइना क्ले जैसा ही दिख रहा है। 7th मिनरल का नाम है फेल्डस्पार, एट्थ मिनरल का नाम है फ्लोराइट, ये है फुलर्स अर्थ, ये है गाइस ग्रेफाइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने ग्रेफाइट तो देखा ही होगा, ये जो ग्रेफाइट है ज्यादातर पेंसिल्स में या फिर बैटरीज बनाने में यूज होता है। 11th नंबर पे है जिप्सम, भाई इतने तरह तरह के मिनरल्स मेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ गाइस। इसका नाम है जैस्पर, भाई इतने बढ़िया मिनरल्स मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखे गाइस, आज देख रहा हूँ, शायद आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। तो ये है 13th नंबर, इसका नाम है मैग्नेटाइट। 14th नंबर पे जो मिनरल है इसका नाम है माइका, ये देख सकते हो गाइस, माइका इस तरह का दिखाई देता है। 15th नंबर का मिनरल का नाम है पायरोलुसाइट, यह है नंबर 16 फायरोफिलाइट। तो दोस्तों ये है नंबर 17 क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का नाम तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आज तक, तो देख सकते हो क्वार्ट्स किस तरह का दिखाई देता है। तो नंबर 18 पे है सोप स्टोन, नंबर 19 है सल्फर, बहुत सारे लोगों ने सल्फर का भी नाम सुन रखा होगा, तो गाइस देख सकते हो दिखने में सल्फर इस तरह का दिखाई देता है, नंबर 19। ये है नंबर 20 सबसे लास्ट मिनरल इस बॉक्स के अंदर, टूरमलाइन। वाओ दोस्तों मजा आ गया यार आज तो। तो दोस्तों इस किट के अंदर हमें बहुत सारे एक्सेसरीज और टूल्स भी मिलते हैं, वो भी क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये है एक हैंड लेंस, काफी बढ़िया क्वालिटी का है। तो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे मिला हमें एसिड ड्रॉप बॉटल, और ये है एक फोल्डिंग मैग्नीफायर 10x जूम, इसे निकाल लेते हैं बाहर, आपको दिखा भी देता हूँ मैं गाइस जल्दी से। तो भाई देख सकते हो ये एक फोल्डिंग मैग्नीफायर, तो चलो इसे भी रखते हैं साइड में, और क्या है देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो भाई ये है एक, तो इसके अंदर है नाइफ, आयरन नेल और मैग्नेट, ये रही नाइफ, ये है आयरन नेल और ये रहा मैग्नेट। तो और भी चीज़ें हैं गाइस देख लेते हैं। तो भाई इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं सारी पैक की हुई है, इसे खोल लेते हैं पहले। एकदम कमाल की पैकिंग की है गाइस इन लोगों ने सभी चीज़ों की, देख सकते हो जो चीज़ यहाँ पे रखना है वहीं रखी है, आप बाद में भी कंफ्यूज नहीं होगे गाइस कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना है। हर चीज़ का एक अलग पार्टीशन दिया हुआ है, उसके ऊपर नंबर भी चिपकाया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो भाई ये है एक ग्लास प्लेट, देख सकते हो एकदम कमाल की किट लगी गाइस मुझे तो। ये है कॉपर प्लेट, और ये है गार्नेट बोर्ड,
शायद इसको सैंड पेपर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक आयरन प्लेट और यह है एक स्ट्रिक प्लेट। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ना इसके अंदर हमें कितनी ढेर सारी चीज़ें मिली है। तो इसके अंदर टोटल हमें 20 मिनरल्स मिले हैं और बहुत सारे एक्सेसरीज मिले हैं, टूल्स मिले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रॉक्स एंड मिनरल्स के वर्कशीट्स मिले हैं और रॉक्स एंड मिनरल्स के क्रॉसवर्ड्स मिले हैं और रॉक्स एंड मिनरल्स के पजल्स भी मिले हैं हमें। तो गाइस ये जो किट है मुझे बड़ी ही कमाल की लगी। अगर आप इस किट को खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अमेजोन का, वहां से जाकर आप चाहे तो इस किट को खरीद भी सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये किट आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। जहां तक गाइस आपके साथ मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस किट को अनबॉक्स करने के बाद, इस तरह की किट मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी। गाइस मैं आपको ये बात क्यों बार बार दोहरा रहा हूँ आप समझ लो, क्योंकि यार मैंने आज तक इतने ढेर सारे किट्स ओपन किए हैं, इतने ढेर सारे किट्स देखे हैं, पर ऐसी किट्स मैंने आज तक नहीं देखी गाइस जिसके अंदर इतनी ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं और इतनी ढेर सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं मिनरल्स और रॉक्स के बारे में। मेरे पास एक और किट भी है गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में, वो भी किट मैं अनबॉक्स करके बताने वाला हूँ। ये रही दोस्तों एक और कमाल की किट। इस किट के अंदर हमें 50 से भी ज़्यादा रॉक्स एंड मिनरल्स के स्पेसिमेंट्स मिलते हैं। आने वाले दिनों में ये भी किट मैं ज़रूर से आपको अनबॉक्स करके बताने वाला हूँ। तो गाइस चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है प्रमोद बिहिरा, निकुंज, मनु, राज राय, कृष्णपाल राजपूत, अभिजीत, शहेली दत्ता, संतोष गुप्ता, संदीप रावत, प्रसन्ना। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी इस वीडियो पर लाइक करेंगे और नीचे एक बढ़िया वाला कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार साइंस किट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।